तो फ्रेंड आप सब कैसे हो। मैं आपका दोस्त सौरभ, आप देख रहे हैं डीजे सौरभ नत्रा यूट्यूब चैनल। तो चले फ्रेंड आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड आज इस वीडियो पर मैं आपका दिखाऊंगा एप्पल स्टूडियो को कैसे बाय करता है, क्योंकि फ्रेंड मेरा यूट्यूब चैनल पर बहुत फ्रेंड कमेंट करता भाई एप्पल स्टूडियो कैसे बाय करेगा, और फ्रेंड बहुत फ्रेंड इस तरह भी कमेंट करता भाई मेरा पास फुल वर्सन नहीं है एप्पल स्टूडियो कैसे बाय करता है। बहुत फ्रेंड बोलता है भाई एप्पल स्टूडियो फुल वर्सन कैसे बाय करता है, उसके बाद एप्पल स्टूडियो का जो न्यू वर्सन आता है वो कैसे फुल वर्सन में डाउनलोड करेगा। उसके बाद मेरा यूट्यूब चैनल पर बहुत फ्रेंड इस तरह भी कमेंट करता भाई एप्पल स्टूडियो को कैसे फुल में परचेस करेगा, मतलब कैसे करता है एप्पल स्टूडियो को। तो फ्रेंड इसके लिए आज का वीडियो, तो फ्रेंड मैं इस वीडियो पर दिखाऊंगा एप्पल स्टूडियो को कैसे आप बाय कर सकते हो वो भी इंडिया से। और भी मेरा यूट्यूब चैनल पर कमेंट करता भाई एप्पल स्टूडियो एक बार बाय करूंगा तो क्या उसके बाद फिर से न्यू एप्पल स्टूडियो का न्यू अपडेट आएगा तो क्या मेरा को फिर से पैसा देना पड़ेगा। तो भाई इस तरह कुछ नहीं है, ओनली एक बार आप बाय करेगा तो फिर आपका लाइफ टाइम आपका फी में मिलेगा, मतलब एप्पल स्टूडियो पर जितना न्यू अपडेट आएगा आपका टोटल फी में मिलेगा, ओनली आपका बाय करना पड़ेगा एक बार। ठीक है, एप्पल स्टूडियो जब एमएस लाइन से बाय कर रहा हूँ ठीक है, लेकिन उसमें वीसा कार्ड उसके बाद मास्टर कार्ड इस तरह आ रहा है, लेकिन पेटीएम फोनपे गूगल पे उसके बाद यूपीआई डेबिट कार्ड रुपया कार्ड इस तरह नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड इस वीडियो को देखने के बाद आपका समझ में आएगा एप्पल स्टूडियो को कैसे बाय करता है। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत फ्रेंड मोबाइल से मिक्स करता है ठीक है, तो फ्रेंड एप्पल स्टूडियो मोबाइल फुल वर्सन कैसे डाउनलोड करता है ठीक है, मतलब परचेस कैसे करता है उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे तो प्लीज फ्रेंड इस वीडियो डिस्क्रिप्शन पर देख सकते हो, उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, फटाफट देखो एप्पल स्टूडियो मोबाइल को कैसे डाउनलोड करता है उसका लिंक, मतलब उस वीडियो का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो फ्रेंड आज इस वीडियो पर दिखाऊंगा एप्पल स्टूडियो को फुल वर्सन कैसे डाउनलोड करेगा वो भी इंडिया से। सबसे पहले आपका कोई ब्राउज़र ओपन करना, ब्राउज़र ओपन करने के बाद इस बार सर्च करना है इमेज लाइन रजिस्टर, इस तरह ओनली आपका सर्च करना पड़ेगा। देख सकते हो सर्च करने के बाद में आपका इस तरह बहुत ऑप्शन आ जाएगा ठीक है। तो सबसे पहला देख सकते हो, सबसे पहला जो लिंक था आपका इस पर ओनली क्लिक करना पड़ेगा। देख सकते हो रजिस्टर योर प्रोडक्ट इमेज लाइन सर्च एप्पल स्टूडियो, इस पर क्लिक करना पड़ेगा ठीक है। तो चलो फिर मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद फिर इसका जो रजिस्टर देख सकते हो फिर आपका इस तरह पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हो फिर इस पर आपका दो ऑप्शन मिल जाएगा। देखो सबसे पहले देखो नो आई एम न्यू कस्टमर ठीक है, तो आप न्यू कस्टमर हो तो इस पर फर्स्ट वाला तो क्लिक करना ठीक है, और आप ऑलरेडी कस्टमर है तो इस पर क्लिक करना। तो मैं न्यू कस्टमर हूँ ठीक है, तो इसके लिए फर्स्ट वाला इस पर क्लिक करूंगा ठीक है। तो चलो क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आपका इस तरह इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले आपका इस पे ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा ठीक है, आपका जो ईमेल एड्रेस वो ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा ठीक है। तो आपका जो पर्सनल ईमेल एड्रेस वो दे देना। तो देख सकते हैं फाइनली मैं ईमेल एड्रेस दे दिया था। उसके बाद नेक्स्ट पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका नेक्स्ट पर आपका क्लिक करना पड़ेगा ठीक है। तो चलो फिर नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आपका इस तरह फिर से बॉक्स ओपन हो जाएगा, मतलब पेज ओपन हो जाएगा। उसमें देखो इस तरह कुछ छोटी छोटी बॉक्स मिल जाएगा, उसके बाद इसमें आपको कुछ डिटेल्स देना पड़ेगा। तो चलो फिर मैं फटाफट डिटेल्स दे देता हूँ। तो फिर देख सकते हो मैं टोटली इसको फिलअप कर लिया। तो सबसे पहले आपका नाम देना पड़ेगा ठीक है, आपका फुल नाम, उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस, उसके बाद फिर से कन्फर्म ईमेल एड्रेस, उसके बाद आपका पासवर्ड, उसके बाद फिर से कन्फर्म पासवर्ड देख सकते हो। उसके बाद इसको राइट देना, उसके बाद इसको राइट देना ठीक है। उसके बाद नीचे पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका नेक्स्ट पर आपका क्लिक करना पड़ेगा। तो फ्रेंड उसके बाद देख सकते हो फ्रेंड आपका इस तरह पेज ओपन हो जाएगा। देख सकते हो उसके बाद नीचे पर देखो फ्रेंड सीरियल नंबर ठीक है। तो फ्रेंड जब इसको बाय करेगा, मतलब एप्पल स्टूडियो को बाय करेगा ठीक है, मतलब जिस ईमेल एड्रेस है उस ईमेल एड्रेस पर आपका 16 नंबर का सीरियल किए दे देगा ठीक है, मतलब सीरियल नंबर ठीक है 16 नंबर का। तो उसके बाद इस पर पेस्ट करके ऐड करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेगा इस वीडियो पर मैं आपका दिखाऊंगा, तो प्लीज फ्रेंड वीडियो को लास्ट तक देखो ठीक है। तो देख सकते हो फ्रेंड मैं जॉब रजिस्टर करा था, उसके बाद मेरा ईमेल एड्रेस पर इस तरह देखो फ्रेंड मैं देखो ईमेल आ गया था ठीक है। रजिस्टर करने के बाद देखो अकाउंट क्रिएट सक्सेसफुल देख सकते हैं ईमेल लाइन से ठीक है। उसके बाद आपका कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऊपर बात देखो फ्रेंड, ऊपर बात देखो माय अकाउंट ठीक से देखो फ्रेंड माय अकाउंट इस पर ओनली क्लिक करेगा ठीक है। तो फ्रेंड सबसे पहला देख सकते हो फ्रेंड इसमें आपका देखो फॉर्म यूजर नेम ठीक है, इसमें आपका जो मेन नाम होगा वो नाम देना पड़ेगा ठीक है। तो सपोज मैं इस पर लिख रहा हूँ, उसके बाद नीचे पर जो सबमिट ऑप्शन आपका इस पर सबमिट देख सकते हो, इस पर आपका ओनली क्लिक करना पड़ेगा ठीक है। तो देख सकते हो उसके बाद प्लीज वेट, उसके बाद आपका कुछ लोड होगा, लोड होने के बाद आपका रेडी हो जाएगा ठीक है। तो देख सकते हो फिर मेरा कंप्लीट हो गया था ठीक है। उसके बाद देख सकते हो फिर इसमें देखो मेरा नाम आ गया था, वेलकम टू देखो मेरा नाम आ गया था ठीक है। तो फिर देख सकते हो एप्पल स्टूडियो आपका बाय करना चाहता हो तो करने के लिए देख सकते हो इसमें आपका टोटल इस तरह चार स्टूडियो मिल जाएगा ठीक है। तो सबसे पहला मैं सपोज फर्स्ट वाला को क्लिक करता हूँ। तो ओपन देख सकते हो, उसके बाद फिर आपका इस तरह पेज ओपन हो जाएगा देख सकते हो। और बहुत फ्रेंड बोलता है भाई एप्पल स्टोर कितना टाइप का होता है, तो फिर मैं आपका बता देना चाहता हूँ कि एप्पल स्टोर चार टाइप का होता है देख सकते हो। फिर फर्स्ट वाला देखो फिर आपका इस तरह मिल जाएगा, इसका जो नाम है एप्पल स्टूडियो फूटी एजुकेशन ठीक है देख सकते हो फिर। और फिर उसके बाद दूसरा जो देख सकते हो फिर एप्पल स्टूडियो प्रोड्यूसर एजुकेशन ठीक है। उसके बाद तीन नंबर जो देख सकते हो एप्पल स्टूडियो सिग्नेचर बंडल ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं एप्पल स्टूडियो ऑल पैगिन बंडल ठीक है। आप बहुत फ्रेंड बोलेगा भाई मैं कौन सा भाषण लूंगा, इसमें टोटल चार टाइप का तो भाषण होता है, तो आप कौन सा टाइप का लेंगे ठीक है, इस तरह बहुत फ्रेंड बोलेगा। तो फ्रेंड वेस्ट बंगाल पर, मतलब वेस्ट बंगाल में जितना रिमिक्स रिव्यूज करते हैं और जितना फ्रेंड बाय करता है ठीक है, मैं बहुत फ्रेंड का ऑलरेडी इसको मैं बोला था भाई इसको आप कौन सा भाषण बाय करता है, बहुत फ्रेंड कौन सा बाय करता है देख सकते हो। दो नंबर देखो फ्रेंड एप्पल स्टूडियो प्रोड्यूसर एजुकेशन ठीक है, और ये कितना डॉलर है देखो
सपोज तो लो मैं ये भाषा लूंगा, मतलब ये टाइप का लूंगा, एप्पल स्टूडियो प्रोड्यूसर एडुकेशन, ये बहुत फिर लेता है ठीक है। और फिर आपका पास और बजट है तो ये भाषा लेना चाहते हो ले सकते हो, उसके बाद ये टाइप का लेना चाहते हो ले सकते हो ठीक है। लेकिन मेरा ये दो नंबर लूंगा ठीक है, एप्पल स्टूडियो प्रोड्यूसर एडुकेशन ठीक है। तो उसके लिए आपका क्या करना पड़ेगा, उसके लिए देख सकते हो नीचे पर जो एड टू कट आपका इस पर ऑली क्लिक करना पड़ेगा ठीक है। तो चलो फिर मैं फटाफट क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में आपका इस तरह ऑप्शन आ जाएगा ठीक है। उसके बाद ऊपर पर देख सकते हो कंटिन्यू चेकआउट ठीक है। तो आपका इस पर ऑनली क्लिक करना पड़ेगा, मैं आपका दिखा देता हूँ। तो फिर उसके बाद देख सकते हो फिर आपका इस तरह पेज ओपन हो जाएगा ठीक है। उसके बाद बहुत फिर बोलता है भाई मतलब इमेज लेंस से जॉब मैं बाई करता हूँ, इमेज लेंस से बाई का जो ऑप्शन पेटीएम फोनपे गूगल पे उसके बाद डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड वो ऑप्शन नहीं आता ठीक है। तो फिर आपका पास पीपीएल उसके बाद वीसा उसके बाद ये टोटल है तो आप इससे टोटल बाई कर सकते हो ठीक है। उसके बाद मैं आधार कार्ड दिखा देता हूँ फिर ठीक है। तो फिर ये टोटल आपका पेमेंट मेथड है तो आप इससे टोटल इमेज लाइन से डायरेक्ट बाय कर सकते हो। लेकिन बहुत पेन के पास वीसा कार्ड उसके बाद पीपेल नहीं है ठीक है। बहुत पेन के पास पेटीएम गूगल पे फोन पे उसके बाद उसका जो डेबिट कार्ड होता है रुपया कार्ड होता है ठीक है, टोटल इस तरह होता है ठीक है। तो बहुत पेन बोलता है भाई इमेज लाइन से कैसे बाय करूंगा। तो फिर उसके लिए आपका देख सकते हो इमेज लाइन का जो होम पेज इस तरह आना पड़ेगा। आने के बाद देख सकते हो इंडिया से आपका कैसे बाय करेगा, बाय करने के लिए आपका सबसे नीचे पर आना पड़ेगा देख सकते हो फिर एप्पल स्टूडियो आप इस तरह होम पेज आना सबसे पहले। आने के बाद सबसे नीचे पर आना पड़ेगा, आने के बाद देखो फिर आपका इस तरह एक ऑप्शन मिल जाएगा सबसे नीचे पर आना पड़ेगा। नीच पर आने के बाद देख सकते हो फिर इसमें आपका एक ऑप्शन मिल जाएगा देखो शॉप। उसके बाद देखो फिर इसमें आपका एक ऑप्शन मिल जाएगा देखो फास्ट देखो बॉक्स डिस्ट्रीब्यूटर। इसका मतलब है आप इंडिया से उसके बाद कोई कंट्री से आप इसको बाय कर सकते हो इमेज लाइन का ठीक है, मतलब एप्पल स्टूडियो को। तो उसके लिए आपका क्या करना पड़ेगा, बॉक्स जो डिस्ट्रीब्यूटर इस पर आपका क्लिक करना पड़ेगा ठीक है। क्लिक होने के बाद फिर आपका इस तरह पेज ओपन हो जाएगा ठीक है। उसके बाद देख सकते हो इसमें टोटल कंट्री इस तरह आ जाएगा ठीक है, आप कोई भी कंट्री से इसका बाय कर सकते हो। तो उसके लिए आपका दूसरा वेबसाइट होता है ठीक है, मतलब इंडिया के लिए अलग वेबसाइट है, मतलब फिर अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग वेबसाइट होता है ठीक है। तो चलो फिर मैं इस पर सर्च करता हूँ इंडिया, इसमें टोटल कंट्री मिल जाएगा ठीक है। तो देख सकते हो मैं जॉब इंडिया क्लिक करा था ठीक है, देखो फिर आपका इस तरह इंडिया आ गया था ठीक है। उसके बाद देखो फिर इंडिया, तो फिर सबसे पहले देख सकते हो फिर बीटबॉक्स इंटरटेनमेंट ठीक है, और इसका टोटल डिटेल्स मिल जाएगा ठीक है। और फिर जो दो नंबर देख सकते हो sudeepaaudio.com, तो फिर आप जिससे बाय करना चाहते हो कर सकते हो ठीक है। इंडिया के लिए आपका दो वेबसाइट मिल जाएगा देख सकते हो बीटबॉक्स और sudeepaaudio.com ठीक है, आपका जिससे बाय करना चाहते हो कर सकते हो ठीक है। तो मैं sudeepaaudio से लूंगा, तो उसके लिए आपका क्या करना पड़ेगा, उसके लिए देख सकते हो फिर आपका इस तरह ऑप्शन आ जाएगा ठीक है। और फिर आपका सबसे पहले देख सकते हो फिर इसमें आपका कोई प्रॉब्लम होगा तो सबसे पहले देख सकते हो sudeepaudio.com इसका जो कस्टमर कस्टमर से आप कॉन्टैक्ट कर लेना ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगा तो ठीक है। और इसमें टोटल कस्टमर टाइम कितना है देखो, कितना से कितना आपका कॉल करेगा तो आपका मतलब कॉल रिसीव होगा देखो, और इसका कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा ठीक है। आपका कोई प्रॉब्लम है तो इसके कस्टमर से बात कर सकते हो ठीक है। देख सकते हो इसमें जो सर्च का ऑप्शन है, इस पर आपको ऑनली सर्च करना पड़ेगा एप्पल स्टूडियो। तो देख सकते हो मैं जॉब सर्च कर रहा था, आपका इस तरह ऑप्शन आ जाएगा ठीक है। तो चलो फिर मैं आपका दिखा देता हूँ, देख सकते हो फिर आपका इस तरह ऑप्शन आ जाएगा ठीक है। उसके बाद इसको बैक करने के लिए इसमें देखो एक कितना टाइप का होता है देखो फिर सबसे पहले इसको बैक करने के लिए सबसे पहले इस तरह सर्च करना, सर्च करने के बाद आपका इस तरह ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद ऊपर पर देख सकते हो इमेज लाइन, तो आपका इसमें फिर से क्लिक करना पड़ेगा ठीक है, मतलब बैक करना पड़ेगा। चलो फिर मैं आपका दिखा देता हूँ, वेट फिर मेरा नेट अभी तक स्लो। तो देख सकते हो फिर आपका इस तरह ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं बोला था आपका एप्पल स्टूडियो चार टाइप का होता है ठीक है। सबसे पहले देखो फिर इमेज लाइन एप्पल स्टूडियो 40 एडुकेशन डाउनलोड ठीक है, इसका कितना प्राइस है देखो फिर ठीक है, इंडिया रुपीज से ठीक है। और उसके बाद देखो फिर उसके बाद इसमें इस तरह बहुत मतलब टाइपिंग का इस तरह एप्पल स्टूडियो मिल जाएगा, ये मैं बाय करूंगा ठीक है। तो इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन पर दे दिया था, आप बाय करना चाहते हो मेरा लिंक से बाय कर सकते हो ठीक है। मतलब इस वीडियो डिस्क्रिप्शन पर देखो फिर sudeepaaudio.com का मतलब इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा ठीक है। तो सबसे पहले देखो फिर ये बाय बहुत पेन करता है ठीक है, मतलब वेस्ट बंगाल का जो जो पेन बाय करता है ये मतलब बाय करता है ठीक है। तो फिर आपका प्राइस और ज्यादा है तो आप एक्स्ट्रा और दूसरा टाइप का एप्पल स्टूडियो ले सकते हो ठीक है, आपका बजट एक्स्ट्रा होता है ठीक है। तो सबसे पहले देख सकते हो मैं क्या ले रहा हूँ, देखो फिर इमेज लाइन एप्पल स्टूडियो प्रोड्यूसर एडुकेशन डाउनलोड। तो फिर ये कितना प्राइस है देखो ठीक है, देख सकते हो। उसके लिए सपोज चलो इसको मैं बाय करूंगा, तो बाय करने के लिए आपका इस पर ऑनली क्लिक करना पड़ेगा देख सकते हो। तो फिर इस पर आपका ऑनली इस पर क्लिक करना पड़ेगा ठीक है। तो फिर उसके बाद देख सकते हो मैं जॉब इस पर क्लिक करा था, क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर पर आपका इस तरह ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद देख सकते हो फिर चेकआउट, देख सकते हो फिर चेकआउट आपका इस पर ऑनली क्लिक करना पड़ेगा ठीक है। तो चलो फिर मैं चेकआउट पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद देख सकते हो फिर इस तरह पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद इसे कितना प्राइस में मिल रहा है देखो फिर टोटल आपका जीएसटी पे टैक्स लेने के बाद ये टोटल कितना प्राइस है देख सकते हो फिर आपका ये टोटल मिलेगा। तो सबसे लगता है क्या करना पड़ेगा, इस पे पास में देखो फिर ये पास में देखो सबसे पहले आपका इसमें इस तरह बहुत ऑप्शन मिल जाएगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम उसके बाद कंपनी उसके बाद एड्रेस ये टोटल आपका फिलअप करना पड़ेगा। तो चलो फिर मैं इसको फटाफट फिलअप कर लेता हूँ। तो फिर देख सकते हो मैं टोटल इसको फिलअप कर लिया था देख सकते हो, आपका इस तरह टोटल फिलअप कर लेना ठीक है। तो फिलअप करने के बाद आपका क्या करना पड़ेगा, चलो फिर मैं आपका देख देता हूँ इसका जो देखो सेव एंड कंटिन्यू ठीक है, आपका इस पर ऑनली क्लिक करना पड़ेगा ठीक से देख लो ठीक है। तो चलो फिर
सेव एंड कंटिन्यू इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपका इस तरह ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद कंटिन्यू पर आपका फिर से क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद देख सकते हो फिर आपका इस तरह कुछ लोड होगा। लोड होने के बाद मैं आपका चलो मैं आपका देखा देता हूँ। उसके बाद देखो फिर आपका इस तरह ऑप्शन आ जाएगा पेमेंट का, ठीक है। उसके बाद देखो फिर इसमें आपको टोटल इस तरह पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, जिस आपका पेमेंट देना चाहते हो देख सकते हो, ठीक है। तो देख सकते हो फिर आपका इस तरह बहुत ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपका जो पेमेंट देना चाहते हो मतलब जिसको सिलेक्ट करना चाहते हो कर सकते हो। उसके बाद नीचे पर देख सकते हो प्रोसेस टू पे, ठीक है। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक से देखो पेमेंट, ठीक है। तो फ्रेंड उसके बाद आपका इस तरह पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो ईमेल एड्रेस दिया था, ठीक है, वो ईमेल एड्रेस पर आपका एक ईमेल जाएगा, ठीक है, sudeepaaudio.com से। तो फ्रेंड देख सकते हो मेरा sudeepaaudio.com से एक ईमेल आया था, ठीक है। तो देख सकते हो फ्रेंड आपका इस तरह टोटल ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। टोटल डिटेल्स उसके बाद ऑप्शन टोटल आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड उसके बाद देख सकते हो आपका पेमेंट करने के लिए आपका क्या करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे पर आने के बाद देख सकते हो मैं UPI सिलेक्ट करता हूं, ठीक है। तो UPI सिलेक्ट करने के लिए मेरा इस पर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड आप बैंक से देना चाहते हो दे सकते हो, ठीक है। इसमें आपको टोटल बैंक का डिटेल्स है, ठीक है, लेकिन मैं UPI सिलेक्ट करता हूं। तो उसके लिए ऊपर पर देख सकते हो मिडिल पर UPI, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो फिर तो फिर ये स्कैन करके आप देख सकते हो, नहीं तो नीचे पर देखो फिर क्लिक हेयर, तो आपका क्लिक हेयर पर आपका क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो फिर मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देख सकते हो फिर आपका इस तरह ऑप्शन आ गया था sudeepaaudio.com। देखो फिर आपका इसमें एक ऑप्शन है देखो sudeepaaudio.com। तो उसके बाद इसमें जो स्कैन, तो चलो फिर मैं फटाफट स्कैन करके दे देता हूँ, ठीक है। तो फिर मैं फोन पे से टोटल इसको पैसा दे दिया था, ठीक है, sudeepaaudio.com। तो आपका क्या करना पड़ेगा उसके बाद फिर आपका आधा घंटा आपका वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस पर आपका सीरियल के देगा, मतलब वो 16 नंबर का जो सीरियल मैं बोला था, ठीक है, वो सीरियल के देगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या करना पड़ेगा उसके बाद फिर आपका ईमेल लाइन पर अकाउंट पर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो फिर मैं जाता हूँ। उसके बाद देख सकते हो फिर उसके बाद आपका कुछ नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद देखो फिर इसमें देखो अनलॉक प्रोडक्ट, तो आपका ओनली इस पर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है, और कुछ नहीं। फिर देखो फिर उसके बाद आपका इस तरह ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो सबसे पहले देखो आपका इस तरह ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद देखो हियर, तो आपका इस पर ओनली क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर ओनली आपका आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। तो फिर आपका आधा घंटा में आपका ईमेल पर आपका sudeepaaudio.com से आपका जो 16 नंबर का ईमेल लाइन का जो सीरियल के होता है, ठीक है, वो सेंड कर देगा, ठीक है। तो इसके लिए आपका आधा घंटा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो फिर मैं फटाफट वेट कर लेता हूँ। उसके बाद देख सकते हो जो सीरियल नंबर इस पर आपका पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कोई गलत सीरियल के देखे तो फिर आपका अकाउंट सक्सेसफुल नहीं होगा, ठीक है। तो चलो फिर मैं आधा घंटा वेट करता हूँ। तो फिर आधा घंटा हो गया था, ठीक है। उसके बाद चलो मैं फिर से मेरा ईमेल चेक करता हूँ, sudeepaaudio.com से मेरा कोई ईमेल आया था कि नहीं आया था, ठीक है। तो सबसे पहले देख सकते हो फिर फाइनली मेरा आ गया था, देखो फिर देख सकते हो मेरा ईमेल आ गया था, ठीक है। तो उसके बाद चलो इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। ओपन करने के बाद देख सकते हो फिर आपका इस तरह इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। मिडिल पर देखो फिर आपका देखो एक्टिवेशन एंड सीरियल नंबर देख सकते हो फिर, इसमें आपका कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ओपन कॉपी करने के बाद आपका क्या करना पड़ेगा उसके बाद देख सकते हो फिर आपका एपल स्टोर को इस तरह ओपन करना पड़ेगा, मतलब एपल स्टोर imslain.com को, ठीक है। ओपन करने के बाद फिर आपका देख सकते हो फिर आपका सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर लॉगिन करने के बाद चलो मैं इसको ओपन करता हूँ, देख सकते हो फिर उसके बाद माई अकाउंट ओपन हो गया था। उसके बाद देख सकते हो फिर इसमें देखो आपका एक ऑप्शन मिलेगा, देखो देखो माई लाइसेंस और ऊपर पर देखो अनलॉक प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपका क्या करना पड़ेगा ओनली अनलॉक प्रोडक्ट इस पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपका इस तरह पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद देख सकते हैं हियर, तो आपका इस पर ऑनली क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद देख सकते हो फिर आपका इस तरह पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद फिर देखो सीरियल नंबर, उसके बाद आपका जो सीरियल नंबर कॉपी करता है इस पर मैं पेस्ट करता हूँ, चलो फिर। उसके बाद नीचे पर देख सकते हो जो एड, इस पर एड पर क्लिक करता हूँ। तो फाइनली देख सकते हो फिर मेरा ऐड हो गया था और मेरा फाइनली परचेस हो गया था। ऊपर पर देखो फिर एक नोटिस दे दिया था, देख सकते हो फिर आपका इसमें कुछ नोटिस दिया था, ठीक है। तो ये नोटिस को ठीक से देख लेना, ठीक है, जो पाई करेगा, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो उसके बाद आपका कुछ नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे पर आने के बाद फिर देखो फिर इसमें आपका एक ऑप्शन मिल जाएगा, देखो फिर नेक्स्ट, तो आपका नेक्स्ट पर आपका ओनली क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद देख सकते हो फिर एपल स्टूडियो प्रोडक्ट 20, ठीक है, इस पर ओनली क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद क्लिक करने के बाद देख सकते हो फ्रेंड इसमें कुछ नोटिस था, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एपल स्टूडियो, ठीक है, लाइफ टाइम फी अपडेट। तो फ्रेंड एक बार ओनली बाय करेगा तो फिर आपका लाइफ टाइम जितना अपडेट आएगा आपका टोटल फी में मिलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड अब इस तरह टोटली बाय कर सकते हो। और फ्रेंड मैं आपका नेक्स्ट वीडियो पर बताऊंगा एपल स्टूडियो को कैसे डाउनलोड करेगा और डाउनलोड करने के बाद उसका जो अनलॉक मतलब उसका फुल वर्जन कैसे करेगा, ठीक है। तो फ्रेंड इस वीडियो पर ओनली आपका देखा दिया था एपल स्टूडियो को कैसे बाय करता है, ठीक है, वो भी इंडिया से, क्योंकि फ्रेंड बहुत फ्रेंड बोलता है भाई एपल स्टूडियो को कैसे बाय करता है, और बहुत फ्रेंड बोलता है भाई imslain से जब बाय कर रहा हूँ लेकिन वो पेटीएम फोनपे उसके बाद डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ऑप्शन नहीं है। तो फिर इसके लिए आज का वीडियो बना दिया था, ठीक है। तो फिर फटाफट डीजे सौरभ नेत्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फिर डीजे सौरभ नेत्रा यूट्यूब चैनल पर आपका इस तरह नई नई वीडियो अपडेट होगा।